हेलो भगवान, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स में फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो बची है, पेपर देने वाली है, परेशान है, तैयारी कहाँ से करे। ये एक ही वीडियो के अंदर आपकी तमाम टेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, जितने भी पार्ट्स है उसका तमाम डाटा आपको मेरी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपके साथ मैं इंटेलिजेंस पार्ट के 25 एमसीक्यू शेयर करूंगा, ये वर्बल होंगे। इंग्लिश के 65 एमसीक्यू, फिजिक्स के 37 एमसीक्यू और बायोलॉजी के 40 एमसीक्यू। इसका मतलब है कि पूरा पेपर आपका एक ही वीडियो में तैयार हो जाएगा, आपको वीडियो ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को पूरा देख ले, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। कोई सी बुक की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट को परसू नहीं करना पड़ेगा। एक ही वीडियो, एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम डाटा आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। जैसे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह पीएफ एंड डीआई, स्पोर्ट्समैन और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की वीडियोस पे आएंगी। उसके लिए भी तमाम डिटेल्स एक ही वीडियो में बना दूंगा, उसमें उसकी तमाम टेस्ट प्रिपरेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। इसी तरह फर्दर तमाम जो प्रोसेस होंगे स्टेप बाय स्टेप वो भी मेरे चलते रहेंगे। चलते हैं पहले इंटेलिजेंस पार्ट की तरफ। कंप्लीट द गिवन सीरीज, ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। कोई जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एयरफोर्स का, उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो सीरीज क्वेश्चन होते हैं। अब ये सीरीज 2-3 तरह की होती है, अल्फाबेटिक सीरीज भी होती है और ये नंबर सीरीज होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ये बेसिकली नंबर सीरीज क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कि उसने किया है कि 3, 8, 15, 24 और इसे नेक्स्ट डिजिट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें कि उसने 3 और 8 लिया है, इनके दरमियान उसने डिफरेंस छोड़ा है, 4 डिजिट का उसने डिफरेंस छोड़ा है। 3 और 8 के दरमियान 4 डिजिट कौन से हैं? 4, 5, 6, 7 चार डिजिट ये छोड़े हैं। उसके बाद 8 और 15 के दरमियान उसने 6 डिजिट छोड़े, इट मीन्स के 4, 6, 8 और 10 की सीरीज वो चला रहा है। पहले 3 और 8 के दरमियान उसने 4 डिजिट छोड़े हैं, फिर उसने 8 और 15 के दरमियान 6 डिजिट छोड़े हैं। देखें 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये बने 6 डिजिट। इसी तरह 15 और 24 के दरमियान उसने 8 डिजिट मिस करने हैं, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो ये बने 8 डिजिट। इसी तरह 24 के बाद 10 डिजिट छोड़ेगा, 35। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट। ये उसने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया है, एक मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है कि एक बंदे का मैथमेटिकल एक आईक्यू चेक करना होता है, इसका कैलिबर क्या है। जैसे देखें 7 + 2 - 1 = h। अब उसने क्या किया है कि 7 और 2 = 9, उसमें से एक माइनस किया ये बने 8। तो 8 नंबर पे आता है एच ए बी सी अल्फाबेटिक। अगर ए बी सी आपने 7 लाजमी लिख लेनी है और उसमें काउंटिंग करेंगे तो एच 8 नंबर पे आएगा। इसी तरह आप 22 + 6 ये बना 28 और 28 में से 5 अगर माइनस करें तो ये बनता है 23। तो 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। इसी तरह 11 + 6 = 17, 17 में से 2 माइनस किए तो बना 15। अब आपने ए बी सी में देखना है कि 15 नंबर पे कौन सा आता है। ये देखें मेरे पास ए बी सी ओपन हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका मतलब है कि ओ आ रहा है 15 नंबर पे, तो हमारा बेस्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इफ 4 × 5 तो इसका जो नॉर्मल जवाब बनता था वो बनता था 20, 5 × 20, लेकिन आपने इसका 20 आंसर नहीं लगाना, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा। इसने बेसिकली ये भी एक स्क्वायर की उसने सीरीज ली हुई है, इसको क्विज क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसको 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा बी 16, 25। क्यों? क्योंकि ये 16, 4, 4 का स्क्वायर उसने लिया है, 4, 4, 16 होता है। इसी तरह 5, 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 25। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कंप्लीट द गिवन सीरीज, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें 7, 9, 49, 6, 36, 5 और - अब इसमें देखें कि उसने क्या किया है। 7 का स्क्वायर उसने लिया वो बना 49। इसी तरह उसने 6 का स्क्वायर लिया ये बना 36 और 5 का स्क्वायर, अब आपने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेना है और ये बनेगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका बेस्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, अब ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये एक कोड दिया हुआ है और इसका
बुक बनता है इस कोड से। अब वो कहता है कि इस कोड से बताएं क्या बनता है। अभी ये आपको मैं समझाता हूँ, आपने इसको गौर से समझना है और इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले ये कोड उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, इससे बनता है बुक। अब वो इस कोड का पूछ रहा है क्या बनता है। अभी इसको समझें, ये देखें ए का। अब आपने देखना है कि ये इससे अगला डिजिट कौन सा लिया है। जैसे ए है, इसका बनता है बी, तो इसका मतलब है कि ए से अगला डिजिट उसने लिया है बी। इसी तरह अब जैसे ये जी जी है, जी से नेक्स्ट आपने डिजिट लेना है, वो बनता है एच। अब एन है, एन से एन के एन का उसने कोड बनाया ओ, तो एन से उसने अगला डिजिट ओ लिया। इसी तरह आपने जेड से आगे वाला डिजिट लेना है, वो होगा ए। तो इसी तरह ए से अगला डिजिट जेड होता है, दोनों जब एंड आ जाता है या स्टार्ट होता है तो उसके नेक्स्ट डिजिट को काउंट किया जाता है। अब पी है, तो पी से उसने अभी पीछे वाला डिजिट ओ ले लिया। इसी तरह अब ओ से आपने पीछे वाला डिजिट लेना है, वो है एन। एन के बाद अब आ गया एल, एल भी उसने एल से पीछे के लिया है, पीछे वाला डिजिट ले लिया। सेम लाइक आपने ई से पीछे वाला डिजिट डी लेना है। तो इसका मतलब है कि ये इस कोड से बनता है हैंड, तो इसका बेस्ट आंसर है डी बी, तो ये इसे बनता है हैंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ए इज इक्वल टू, ए इज टू ई एंड सी इज टू डैश। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, ये अल्फाबेटिक कोडिंग होती है। कोडिंग डिकोडिंग भी दो तरह की है, एक नंबर कोडिंग होती है, एक अल्फाबेटिक कोडिंग होती है। तो अब ये देखें ए इज इक्वल टू ई और बाकी सी इज इक्वल टू डैश। अब ए के दरमियान उसने कितने डिजिट छोड़े हैं, 3, और इसी तरह अब आपने सी के बाद 3 डिजिट छोड़ने हैं और जो जवाब आएगा वो आपने लिखना है, तो उसके 3 छोड़ने पे जी आता है, तो इसका बेस्ट आंसर है जी। अब वो कहता है इफ ए इज सिमिलर देन बी बट टॉलर देन सी एंड डी, हु इज द टॉलेस्ट इन देयर। अब यहाँ पे पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि ए छोटा है बी से बट टॉलर देन सी एंड डी। अब क्योंकि बी सबसे बड़ा है, बी से ए छोटा है और सी और डी इससे बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा बी हुआ, तो ये इसका आंसर है ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन ए सी ई इज कोडेड एज डैश। अब ये अल्फाबेटिक और नंबर कोड दोनों को उसने मिक्सअप कर दिया है। अब ये किस तरह हल होगा, बहुत आसान है। अब ये देखें एफ आता है 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है और ई आता है 5 नंबर पे। सेम लाइक आपने यहाँ पे लिखना है, ए आता है 1 नंबर पे, सी आया 3 नंबर पे और ई आया 5 नंबर पे। इसका मतलब है कि इसका बेस्ट आंसर है सी 135। जस्ट आपने काउंटिंग करनी है इसकी। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि एफ ई टी डैश और टी ए आर इज टू डैश। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन इसने सिर्फ इसको उल्टा किया है। देखें एफ ई टी पहले उसने सीधा लिखा है, फिर उसने टी ई एफ उल्टा लिख दिया है। तो इसी तरह टी ए आर और आर ए टी आपने लिख देना है, सिंपल। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको मैं वैसे ही रेड कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। इफ बर्श बर्श इज टू पेंटिंग एज ए पेंसिल इज डैश। अब जैसे अब यहाँ पे समझें कि जैसे बुर्श पेंटिंग बनाता है, पेंसिल से स्केच भी बनाया जा सकता है, मैप भी होता है, ड्राइंग होता है, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट वर्ड आपने चूज करना होता है कौन सा है। अब जैसे बुर्श का मतलब पेंटिंग है, तो सेम लाइक पेंसिल से नोटबुक लिखी जाती है, तो ये इसका बेस्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। व्हाट लेटर कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। मदर में अल्फाबेटिक कौन सा वर्ड आता है जो शुरू में बड़ा लिखा जाता है। अब ये है एम, सिंपल सा बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि प्लेटफार्म भी रेलवे स्टेशन को कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हैज क्या चीज़ होती है वहाँ पे रखता है, स्टेशन ऑलरेडी स्टेशन है, उसके बाद ट्रेन भी वहाँ पे होगी, तो बेसिकली इसका जो बेस्ट आंसर है रेलवे लाइन्स होती हैं, जो मेन उसका पॉइंट होता है वो ये है कि रेलवे लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। मैन इज टू वोमैन एज बॉय इज टू, सिंपल सा है, गर्ल है। अब कार हैव मिरर बी कास डैश।
व कार के जो शीशे हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। ये सिंपल सा, कार में लड़कियों को देखा जाता है, मुख्तलिफ साइड्स देखी जाती है, जो सीधा कार बिहाइंड द आगे देखा जाता है ऐसा नहीं होता, ये पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखा जाता है, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, एकड़ इज टू कनाल एज स्क्वायर इज टू डैश, मतलब जैसे एकड़ कनाल्स में होते हैं तो स्क्वायर किस में हो गए, मरला में हो। द अपोजिट ऑफ नेवर इज, नेवर नहीं हो को कहते हैं, तो इसका आल अपोजिट ऑलवेज होगा, हमेशा, कभी भी नहीं होगा, नेवर और हमेशा होगा, इसको ऑलवेज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव प्लांट ट्री, अब जैसे प्लांट है तो दरख्त बनते हैं इसे, और गर्ल है तो इससे क्या बनेगा, गर्ल से बनेगा वो मैन, मदर वाइफ ये सारे बनते हैं, लेकिन जैसे उसका मेन जो की पॉइंट है उसको टारगेट करना होता है, जैसे प्लांट ट्री है, गर्ल वो मैन है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अब इसमें उसने रेस्ट को सिर्फ फाइंड आउट किया है कि क्या डिफरेंस है। अब ये देखें, अब दोबारा एबीसी की आपको जरूरत पड़ेगी, एल ओ के दरमियान एम एन ओ दो का डिफरेंस है, एच के दरमियान दो का डिफरेंस है, आई और जे छोड़ा हुआ है, ए सी के दरमियान उसने सिर्फ एक डिजिट छोड़ा है, और डी और जी के दरमियान भी दो डिजिट है, इसका मतलब कि सब जगहों पे दो दो थे, सिर्फ ए और सी के दरमियान एक था, इसका मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, रेस्ट का डिफरेंट, रेस्ट का मतलब है कि वो थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज डिफरेंट है, इस वजह से। If yesterday was Monday, what day is after tomorrow? मतलब कि आज से पहले क्या था, मंडे था, अब मतलब कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद कल जो होगा उसके बाद क्या आएगा, कल वेनसडे बनेगा, वेनसडे के बाद आएगा थर्सडे, तो इसका बेस्ट आंसर है थर्सडे। अब ये देखें, ये पर्सनल रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, काउंटिंग पर्सनल रैंकिंग की तरह ही है, लेकिन है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। इन अ क्लास 60 मेल है, 35 फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स 80% क्लास फेल है, इन केमिस्ट्री 30% 80% क्लास फेल है केमिस्ट्री में, 30% इंग्लिश में, तो कौन सा बेस्ट आंसर है। अब वो कहता है कि सिर्फ फीमेल फेल हुई हैं या मेल, कोई भी मेल फेल नहीं हुआ, सिर्फ मेल फेल हुए हैं, तो दोनों फेल हुए हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये दोनों, क्योंकि 80% तो केमिस्ट्री में लड़कियां लड़के फेल हुए हैं और 30% इंग्लिश में, इसका मतलब कि दोनों फेल हुए हैं। अब देखें कि वो कहता है, समी वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945, हाउ ओल्ड वाज बी इन 1965। अब अगर 21 साल का था 1945 में, तो 65 में कितना हो गया, टोटल 20 साल 21 ईयर के अंदर एड ऑन कर देने हैं, तो ये बनेगा 2041। अब ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के भी मिलेंगे। यसर एंड सफदर इज स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ साइड एंड मूविंग टुवर्ड नॉर्थ 5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को छोटा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैंने एक उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाली एक डायरेक्शन बना ली है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ से उसने सफ़र शुरू किया है कहाँ पे, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कितने किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, 5 किलोमीटर गया। ये थोड़ी सी मैं टेडियस भी कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइन किस तरफ जा रही है। यहाँ से चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद वहाँ से वो कहते हैं कि राइट मोड़ गया 5 मील, सेम लाइक यहाँ से दोबारा वो कितना मिला 5 मील ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से फिर वो कहते हैं कि दे टर्न राइट एंड मूव 10 माइल, और यहाँ से उसने राइट मुड़ा है, कहाँ मुड़ा है, राइट, ये देखें, और 10 किलोमीटर, 5 तो यहाँ तक उसने पहले सफर किया, तो 5 अभी आपने आगे उसको भेज देना है, तो यहाँ तक वो पहुंचा है, इसने 10 किया है, यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे किया है 10 माइल। तो अब वो कहता है कि नाउ दे आर स्टैंडिंग एट विच डायरेक्शन, अब बताएं कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये साउथ की तरफ इस वक्त उसका फेस है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, सी। अब यहाँ पे वो 3 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 1 के टोटल डिस्टेंस काउंट करें, आपने सिंपल इसको काउंट कर लेना है, या वो ये पूछेगा कि घर के पॉइंट से वो कितना दूर खड़ा है, तो सिंपल आपने ये 5 और 5 इसको 10 किलोमीटर कह देना है, तो इस तरह, या वो क्लॉक वाइज पूछ सकता है, या एंटी क्लॉक वाइज या एंगल वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्शन सेंस का, तो ये इसका इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अब वो कहता है कि दे आर, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, दे आर गोइंग टू डैश अ क्रिकेट मैच, ये बेसिकली उसने इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, और इसका
तो बेस्ट आंसर है वो सी आपने लगाना है। क्यों सी लगाना है? क्योंकि आईएनजी है और ये कंटिन्यू का जुमला बनेगा और इसके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसका बनेगा सी। देखिए कि माशाल्लाह इंटेलिजेंस पार्ट हमने बड़ा डिटेल में कवर किया है, तमाम क्वेश्चंस को समझा है, जितने भी वर्बल पार्ट के एमसीक्यूज होते हैं उनको बड़ा डिटेल में हमने देख लिया है। अभी इंग्लिश के 65 एमसीक्यूज मैं शेयर करूंगा। अभी तक रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, क्यों? क्योंकि ये वीडियोज आपके लिए है, बहुत मेहनत की जाती है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अभी चलते हैं अपने 65 एमसीक्यूज इंग्लिश की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि आई डैश वेटिंग फॉर 3 आवर्स, इसमें हैव बीन लगेगा क्योंकि हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जुमला बन जाता है और इसमें हैव बीन लगता है। अब क्योंकि आई किस आई है तो इसलिए हैव लग गया, अगर ही होता तो फिर हैज लगता, हैज लगता, और इसमें आई एन जी लगा हुआ है, इस वजह से ये हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। और तीसरा इसमें एक और चीज भी है कि टाइम मेंशन होता है, सिंस और फॉर जिसमें लगता है, तो वो फॉर भी इसके अंदर मेंशन हुआ है, इस वजह से ये हैज बीन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच इज वन ऑड, इसमें से ये 4 डिजिट दिए होते हैं, इसमें से आपने ढूंढना है कि कौन सा एक डिफरेंट है। तो ये देखें इसमें हैमर मुख्तलिफ हैं, बाकी ये तमाम एक जैसे ही सीरीज के हैं, इस वजह से हैमर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, अब इसमें 4 इसी तरह सेम दिए हुए हैं, इसमें से आपने ढूंढना है कि डिफरेंट कौन सा है। ये 3 जैसे शीप काउ कैमल एक ही कैटेगरी के हैं, 4 टांगों वाले जानवर हैं, हैन जो है इसकी 2 टांगे, इस वजह से ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इस्लामाबाद कराची लाहौर पाकिस्तान ये सारे सिटी हैं और ये एक कंट्री है। विच इज ऑड, इसमें मैंगो डिफरेंट है, बाकी सारे एक ही कैटेगरी के हैं और सारे बाल होते हैं, जैसे गाजर के बाल हैं, प्याज के बाल हैं, इस तरह करके चिकंदर के बाल होते हैं, ये इस वजह से थोड़े से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, अब इसके अंदर वीट मुख्तलिफ है, बाकी सारे फ्रूट हैं, एक गंदम है। क्वेश्चन नंबर 7 डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू, ये मैरी आएगा, मैरी घोड़ी को खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ ब्रश इज टू पेंटिंग एज पेंसिल इज डैश, अब यहाँ पे नोटबुक है, स्केच मैप और ड्राइंग, ये नोटबुक लिखने के लिए यूज होती है पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट लेटर कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर, एम के अंदर कौन सा अल्फाबेटिक वर्ड आ रहा है, अब इसमें एम सबसे पहला है, ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है वो एम है। क्वेश्चन नंबर 10, आर रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैव हैज, अब इसमें ट्रेन या रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म और स्टेशन ये हमेशा रेलवे लाइंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैन इज टू वोमैन एज बॉय इज टू गर्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कार हैव मिरर बिकॉज सी द कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, कार के शीशे इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एकड़ इज टू कनाल एज स्क्वायर इज टू करम माइल, कनाल एकड़ और ये माइल यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द अपोजिट ऑफ नेवर इज हमेशा ऑलवेज होगा, नेवर का मतलब नहीं होता, कभी नहीं, तो इसलिए इसका ऑलवेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट अल्टरनेट प्लेनेटरी गर्ल, अब इसके अंदर इनके जब अपोजिट लेने हैं प्लेनेट का ट्री है तो सेम लाइक गर्ल का वो मैन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट एल ओ एच के ए सी एन डी जी, अब इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखें कि सबसे पहले एल ओ है, ओ के दरमियान उसने 2 डिजिट छोड़े हैं, एल ओ के दरमियान 2 डिजिट छोड़े एम एन, इसी तरह एच के है, एच और के दरमियान भी देखें कि जे और आई को उसने मिस किया है, इसी तरह ए सी, ए सी के दरमियान सिर्फ 1 डिजिट छोड़ा है, जैसे डी जी की बात करें तो इसके अंदर भी 2 डिजिट ई और एफ छोड़ा है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ ए सी एक ऐसा डिजिट है जिसके अंदर 1 उसने मिस किया बी, तो ये थोड़ा सा अटके है, बाकी सब में 2-2 है, इसमें 1 है, इस वजह से ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखे, कंप्यूटर इज स्पेलिंग करेक्शन, अब ये बेसिकली आपको उल्टे करके वर्ड्स दे देगा, उसे कहेगा कि करेक्ट लिखें, तो ये कंप्यूटर बनते हैं, इसे किसी भी तरह दे सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट दे सकता है, कमांडर दे सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको लिख के दे सकते हैं, एयरफोर्स को उल्टा कर सकते हैं, तो ये आपको वहां से आइडिया लगाना है कि एक्चुअल क्या वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखे, फ्लाइंग इज टू बर्ड एज क्रीप इज टू डैश, तो ये स्नेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखे, कोर्ट इज टू जज देन स्कूल इज टू टीचर, अगर कोर्ट में जज होगा तो स्कूल में टीचर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज द डिफरेंट सिंधी पश्तो इंग्लिश बलोची। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट,
अब इसमें अंकल, मदर, सन और फादर है, तो अंकल डिफरेंट है क्योंकि मदर, सन, फादर एक ही फैमिली है, अंकल डिफरेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, थिन, टैल, टाल, स्मॉल और शार्प, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, पतला, लंबा, छोटा, और ये शार्प जो है, तेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, ड्राइंग, स्केच, पिक्चर, पेंट, तो इसका पिक्चर आएगा, बाकी तीनों एक ही कैटेगरी की है। क्वेश्चन नंबर 24, इट हैज कंटिन्यूसली बीन डैश सिंस मॉर्निंग, तो इसमें बीन लग गया तो इसका मतलब है कि आई एन जी वर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू का जुमला बन गया, और सिंस लग गया तो कंटिन्यू परफेक्ट का जुमला है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट का जुमला, आई एन जी लग गया और सिंस मॉर्निंग लगा है, इससे हमें आइडिया हो गया कि बीन और साथ आई एन जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, टू डिजाइंस आर डिफरेंट डैश ईच अदर, अब इसमें फॉर आएगा, क्यों, क्योंकि जितने भी डिजाइन होते हैं ज्यादा क्वांटिटी है वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, ईच लगा तो इससे हमें कन्फर्म हो गया कि फॉर लगेगा। अब 26 देखें, गुड सिटीजन ऑलवेज अबाइड डैश द लॉ, अब इसमें बाय आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ही प्रेफर्स टी डैश, इसमें टू आएगा, टू काफी। क्वेश्चन नंबर 28, शी गोज टू स्कूल डैश अ बस, बाय बस आएगा इसमें, बाय। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये लेफ्ट हैंड की स्पेलिंग उल्टे करके देगा आगे पीछे, तो आपने इसे करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सर एसन इज डैश रिसोर्स पर्सन, इसमें आ आएगा, एक बंदा है इस वजह से। सफदर इज डैश ऑनेस्ट मैन, इसमें एन आएगा क्योंकि सफदर और एच के साथ एन लगता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, प्लीज प्लेयर, अब प्लेयर के अंदर यू मिस किया है तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, ये वर्ड लिखा हुआ है कमांडर, तो कमांडर के अंदर स्पेलिंग में यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे डी आएगा, तो ये एक्चुअल इसके स्पेलिंग के अंदर से दो डिजिट उसने मिस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीज, मेल्ट, बॉयल, बॉयल, फ्लो वाटर, तो इसमें मेल्ट आएगा क्योंकि फ्रीज चीज का ये अपोजिट वर्ड है, इस वजह से पिघलना होता है, मेल्ट को कहा जाता है, फ्रीज जमने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, ई डैश प्लेड वेल, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट का जुमला है और हैड नॉट इसके अंदर आएगा क्योंकि ये देखें तीसरी फॉर्म लग गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, विल यू प्लीज डैश मी योर बुक, इसमें लैंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, जरासीम्स को मारने के लिए दूध गर्म किया जाता है। 38, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज माई डैश, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन, मेरी बहन के भाई का जो बेटा होगा वो बेसिकली भतीजा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, डियर इज टू, अब ये देखें ये इसने सिर्फ स्पेलिंग उल्टे की है, डी ए आर ई उसने लिखी है, डी ए आर ई, इसी तरह आपने टीयर को उल्टा करके लिखना है तो वो ये जो ये बनेगा टी ए आर ई। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, चिल्ड्रन गो टू पार्क डैश फॉर, अब ये इंटरटेनमेंट के लिए बच्चे पार्क में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूयॉर्क इज एक्सपेंसिव डैश आई लाइक इट बट आएगा। 42, शी गेट अप अर्ली डैश इन द मॉर्निंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, लाइफ इन न्यूयॉर्क इज एक्साइटिंग, न्यूयॉर्क की जिंदगी बहुत खुशगवार होती है। क्वेश्चन नंबर 44, डैश इज गोइंग टू पार्टी, एवरी वन इज गोइंग टू पार्टी। 45, एक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है एक्सिलरी वर्ब्स को। 46, ही डिड नॉट प्रॉमिस डैश द वर्क टू फिनिश द वर्क। 47, व्हाट डैश यू डैश डू डू आएगा इसमें दोनों, व्हाट डू यू डू आएगा इसमें, आपने क्या क्या काम किया। क्वेश्चन नंबर 48, ही हैज डैश लिविंग हेयर फॉर 2 मंथ्स, इसमें बीन आएगा। अच्छा, इसमें बीन इसलिए आएगा, देखें कि इसमें एक तो टाइम का जिक्र हो गया और दूसरा आई एन जी लग गया और हैज लग गया, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जुमला बनता है, इस वजह से इसके अंदर बीन लगा है। क्वेश्चन नंबर 49, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ड आवर आएगा, इसमें पूरी दुनिया में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, शर्ट इज टू ड्रेस, मैंगो इज टू ईटिंग, अगर शर्ट ड्रेस है तो मैंगो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विच इज डिफरेंट, अब इसके अंदर डिफरेंट कौन सा है, किलोमीटर, मीटर, फुट, लेंथ, अब इसके अंदर लेंथ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 52, द पुलिस अरेस्टेड द मैन डैश हैड स्टोलन द ज्यूल, अब पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया, अब हु भी आ सकता है और डैट भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप
दोनों में से जो लगाना चाहे, हु एड और डैड, जो कि ज्वेलरी चोरी कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 53, द बॉय डैश लेग इज ब्रोकन इन इज सिटिंग हियर, इसमें हुज आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, शी इज कुकिंग फूड डैश द किचन इन द किचन। 55, आई बॉट अ वॉच इट डैश वेरी ब्यूटीफुल इज आएगा इसके अंदर। 56, डैश डू आई गो टू स्लीप वॉचिंग टीवी, वाई डू आई गो टू स्लीप। क्वेश्चन नंबर 57, दे आर डैश देयर होमवर्क डूइंग देयर होमवर्क। 58, अली डैश फोर कार, अली हैव फोर कार आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, दे डैश हार्ड ऑल डे वर्क आएगा, ई डी इसके अंदर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 60, आई कुड नॉट फाइंड इट, अब ये कौन सा जुमला बनता है, ये बेसिकली पास्ट टेंस बनेगा, कोड लग गया क्योंकि ये देखें सेकंड फॉर्म इसके अंदर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 61, यू कैन वेट हियर डैश आई कम बैक, को जंक्शन होते हैं अनटिल इसके अंदर लगेगा। तो ये बेसिकली देखें दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, तो को जंक्शन का काम ये पार्ट ऑफ स्पीच का होता है, दो जंक्शन को आपस में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अपोजिट ऑफ लवली, अब इसमें अनब्यूटिफुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, शी गेट अप अर्ली डैश इन द मॉर्निंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें 22 क्वेश्चंस बने हैं जो हमने देखे, दो रिपीट थे, तो ये तकरीबन हमारे इंग्लिश के 64 एमसीक्यूज हैं, ये बच्चों के टेस्ट एक्सपीरियंस से उठाए गए थे, वो सारे मैंने कंपाइल किए हुए थे, तो ये वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप बस इसको तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के एक्सपीरियंस है हमेशा जो आगे नेक्स्ट पेपर बनता है वो पिछले पेपरों की बेस पर बनता है, और बहुत सारे पेपर क्वेश्चन उसके अंदर से रिपीट होते हैं। तो अभी देखिए हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, इंटेलिजेंस पार्ट 25 एमसीक्यू, फिर इंग्लिश के 65 एमसीक्यू, अभी हम इंशाल्लाह फिजिक्स के 37 एमसीक्यू कवर करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह के एमसीक्यू और कौन कौन से पेपर में आते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को करेंगे तो वीडियोस ऐसी मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस मैंने मुतवातर अपलोड करता हूं, जैसे इंग्लिश बायोलॉजी फिजिक्स की अपलोड की तो अगेन फिजिक्स पे पूछते हैं कि बायोलॉजी की किधर है, बायोलॉजी की करते हैं तो इंग्लिश की पूछ रहे हैं, तो मतलब आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, इस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते। मजीद जो भी चैनल पे अपडेट्स होती है वो मेरे चैनल पे आती रहती है, तो ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेंटीग्रेड होता है, 100 पे जाके पानी बॉयल होता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ मोशंस, मोशंस कितनी टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स होती हैं इसकी, कितनी होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 18 सेंटीग्रेड होता है एटॉमिक मास पानी का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच फोर्स एक्ट व्हेन यू ट्रेवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनर्शिया की फोर्स अप्लाई हो रही होती है जब आप सफर कर रहे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको मोल कहा जाता है, मोल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड एज मोमेंटम ऑफ फोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज आल्सो कॉल्ड 1 जूल पर सेकंड, वाट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डैश इज आल्सो कॉल्ड पावर, इसका फॉर्म VF होता है, फोर्स और वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको फोटोवोल्टेइक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव होती है हमेशा इसकी पावर। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस हेनरी होती है और इसको जेड से शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, साउंड वेव इज द टाइप ऑफ वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी टाइप ऑफ वेव्स, ये दो तरह की होती है, एम्पलीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इन हुक लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी सेम सेंथ में ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 16, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डैश, इसको करंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, चार्ज के बहाव को करंट कहा जाता है, जो प्रेशर होता है उसको वोल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर ग्रेविटी, न्यूटन ने डिस्कवर की थी ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ax plus b is equal to c, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगर 150 की 15 कॉपीज सेल की तो 9 कॉपीज कितने की होंगी, अब देखें कि 150 कॉपी है, 15 कॉपी है, उसने 150 रुपए की सेल की, कितने की
तो इसका मतलब है कि एक कॉपी उसने 10 रुपए की बेची, तो 9 कॉपियां कितने की बनेगी, 10 रुपए की हो, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 90। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था लेकिन पेपरों के अंदर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, फार्मूला पी एंड ई, पावर एंड एनर्जी का फार्मूला है MGH, मिली ग्राम पर आवर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, वाट इज इक्वल, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, 1 मेगा इज इक्वल टू 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, साउंड वेव इज विच टाइप ऑफ वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। गामा रेज, अब गामा रेज बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन देख ले। गामा रेज हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड द मोस्ट एनर्जी मोस्ट ऑफ एनी वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर प्रोड्यूस बाय द हॉटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक। के गामा रेज छोटी वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ होती है इनकी, और बहुत ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स होती हैं, छोटी होती हैं और एनर्जी वाली होती हैं, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, जो बिजली से मैग्नेट बनता है उसको कहा जाता है, इस तरह के स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, और ये बहुत ज्यादा गर्म और एनर्जेटिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, विच रेज हैज हाई आयोनाइजेशन पावर, अल्फाबेटिक रेज होती हैं। 28 साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये आई थिंक तीसरी दफा रिपीट हो रहा है। अ लेंस व्हिच इज कर्व्ड इनसाइड एंड थिन एट एजेस इज, मतलब के कौन सा लेंस है जो कर्व में मुड़ा होता है अंदर की तरफ और उसके जो एज होते हैं वो पतले होते हैं, उसको कनकेव लेंस कहा जाता है। 30 टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी यूज विच लॉ, इसको रिफ्रेक्शन लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पहले भी हम इसको देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, विच कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर केमिकल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को यूज किया जाता है ये केमिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, इन हुक लॉ, क्वेश्चन नंबर 32 देखें, वेव हैज हाउ मैनी काइंड्स, डैश 3 कैटेगरीज, ये 3 तरह की वेव्स होती हैं, पहली मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तीसरी मैटर वेव्स होती हैं, ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 33, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा मतलब उसकी आवाज ज्यादा होगी इतनी ज्यादा दूर तक जाएगी और ज्यादा सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 33, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, उसको करंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू डैश फ्रीज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी मेटल्स होती हैं धातें जिसको कहा जाता है एक अच्छा कंडक्टर होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, विच इज गुड इंसुलेटर, प्लास्टिक एक अच्छा इंसुलेटर होता है क्योंकि उसमें ऐसे करंट पास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, इन एसी जनरेटर करंट इज डैश, इसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है, 2 ही तरह के करंट्स होते हैं, एक एसी होता है और दूसरा डीसी होता है जो डायरेक्ट करंट होता है, तो एसी को अल्टरनेटिंग करंट ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, हाई पेनिट्रेशन रेज आर, गामा रेज की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। आ लेंस विच इज कर्व्ड इनसाइड, क्वेश्चन नंबर 38 देखें, विच कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर केमिकल, ये अगेन ये कॉपी हो गए हैं, ये तकरीबन राउंड अबाउट इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूं। देखें कि अभी तक माशाल्लाह हमने इंटेलिजेंस पार्ट के 25 MCQs, इंग्लिश के 65, फिजिक्स के 37 MCQs देख लिए हैं, आपके काफी हद तक तीनों पार्ट्स की तैयारी हो चुकी है। अभी इससे जो नेक्स्ट देखना है वो बायोलॉजी के 40 MCQs होंगे इंशाल्लाह, ये 23 के अंदर भी बहुत सारे सवाल आए थे और इसी तरह इंशाल्लाह इस पेपर के अंदर भी आपको मिलेंगे। तो बगैर टाइम जाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें कि करंटली द नंबर ऑफ स्पीशीज आर ऑर्गेनिज्म नोन टू साइंस इज डैश, अब बेसिकली चार आंसर है, 1.5 मिलियन है, 2.5, 25, 250, 100 है, 3.5 मिलियन है, बेस्ट आंसर है बी, 2.5 मिलियन इसका बेस्ट आंसर है। तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है स्पीशीज के अंदर ये उसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन 1997 साइंटिफिक इज स्कॉटलैंड सक्सीड इन क्लोनिंग डैश, अब सबसे पहले जो मतलब स्कॉटलैंड में साइंसदानों ने क्लोनिंग की थी वो किसकी की थी, 1997 के अंदर वो शीप्स की गई थी, बेस्ट आंसर सी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अल्गा हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन टू हैवी मेटल बाय डैश, अब इसका ये नीचे जवाब आ रहे हैं, बायो रिमेडिएशन है, उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन है, बायो रेडिकेशन है, उसके बाद बायो ऑब्जर्वेशन है, तो इसका बेस्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान इज डैश, कमर्शियल प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है और नेचुरल प्रॉब्लम है। तो ये बच्चे एक नेशनल प्रॉब्लम है, पूरी मतलब एक दुनिया का मसला है ये। इसके बाद 5 देखें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन बायोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, पेस्टोराइजेशन, लाइफ डैश। अब ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन 5वें का पूछ रहा है कि इसमें कौन सी डिफाइन करना सबसे मुश्किल है, तो इसका बेस्ट आंसर है डी, क्योंकि लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशंस कम अंडर द हेडिंग ऑफ डैश, मैरीन बायोलॉजी या ओशन बायोलॉजी या फ्रेश वाटर बायोलॉजी, सी वाटर बायोलॉजी। इसका बेस्ट आंसर है मैरीन बायोलॉजी बनता है ये। उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एवेल्यूएशनरी चेंज ऑफ्टन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीजेस, तो इसका बच्चे बेस्ट आंसर है बी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बनता है इसे। क्या बनता है? बायोडाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ ट्रांसमिशंस लाइफ हिस्टोरिक्स एंड होस्टिस होस्ट पैरासाइट्स रिलेशनशिप्स स्टडीज आर डैश। अब इसका बेस्ट आंसर है ए, पैरासिटोलॉजी बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, एंड वार्ड जेनर फर्स्ट डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन डैश। अब ये इसने वैक्सीनेशन कब मुतारफ़ करवाई थी? अब 1895 है, 1775 है, 1725 है, 1795 है। तो इसका बेस्ट आंसर है डी, ये 1795 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, डेवलप की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज एंड बेस्ड ऑन डैश एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज हाइपोथेसिस है, उसके फिलोसफिकल है और ज्यूडिशिकल इंक्वायरीज है। तो इसका बेस्ट आंसर है ए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज बेस्ड ये डिफाइन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ डैश नॉन लिविंग थिंग्स है, मैरीन लाइफ है, लिविंग थिंग्स एनिमल, ये लिविंग थिंग्स है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन परसेंटेज अमंग नॉन स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली ये नंबर ऑफ इंसेक्ट्स का पूछ रहा है कितनी परसेंटेज बनती है। इसका बेस्ट आंसर भी है, ये 53.1 बनती है, जो मतलब ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है उसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय डैश। अब ये सेल थ्योरी किसने पेश की थी, ये उसका पूछ रहा है, तो ये इसका सी आंसर है। उसका फंगल सेल वॉल इज मेड अप डैश। अब ये फंगल सेल किस चीज़ की बनी होती है, तो अब इसका बेस्ट आंसर है डी, चितन की बनी होती है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। अब ग्लैंड सेल है, नर्व सेल है, उसके बाद मसल सेल्स है और टेंडोन्स है। अब बेसिकली ये इसका बनता है मसल सेल, सी इसका बेस्ट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 को देखें कि द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश, रॉबर्ट ओक ने इसे दरियाफ्त किया था, सेल्स जितने भी हैं इसको डिस्कवर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ईकैरियोटिक्स इंक्लूड एनिमल प्लांट्स फंगई एंड डैश। ये अब क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, वायरस है और मोनीरिया। ये बेसिकली गलत लिखा हुआ है, और इसका बेस्ट आंसर बच्चे बी बनता है, प्रोटिस्टा बनता है इसका। यही यूकैरियोटिक जितने भी सेल्स होते हैं ये होते हैं, द प्रोकैरियोटिक सेल कैन डिवाइडेड बाय डैश, मिटोसिस है, मियोसिस है, मल्टी फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन है, तो इसका बाइनरी फ्यूजन बनता है। बाइनरी फ्यूजन प्रोकैरियोटिक सेल जितने होते हैं इसमें बाइनरी फ्यूजन होती है। 19 का देखें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड एज डैश, एसिड्स एंड बेस, यूनिक एंड नॉन यूनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पोलर एंड नॉन पोलर, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बनता है। उसके फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब इन डैश, साइकोलॉजिकल टर्म बनती है, टेक्निकल है, मैकेनिकल है, बायो मेडिकल टर्म बनती है। तो इसका बेस्ट आंसर डी है, ये बायो मेडिकल टर्म है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डैश, बायो मेडिकल, बायो मेट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायो केमिस्ट्री। तो ये इसका 21 का बेस्ट आंसर बनता है डी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ये इससे बनती है, मॉलिक्यूल्स को जितनी भी बायोलॉजी की जो डील करते हैं केमिकल्स कंपाउंड को, उसको बायोकेमिस्ट्री में ही कंसीडर किया जाता है। न्यूक्लियस स्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डैश। अब ये क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, रिबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है। तो बच्चे ये जो 22 का बेस्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पाए जाते हैं सारे।
क्वेश्चन नंबर 23, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज स्टोर इन डैश। अब ये जो स्ट्रक्चर, जो इसका इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है सेल का, वो किसके अंदर इसको स्टोर करते हैं। इसका बेस्ट आंसर है बी, प्रोटीन्स होते हैं ये उसके अंदर स्टोर होते हैं। लार्ज ग्रुप एंड डिवाइडेड इन स्मॉलर ग्रुप यून अंटिल द डैश। अब ये क्लास वाइज है, स्पीशीज वाइज है, ऑर्डर लेवल है, और अब ये इसका बेस्ट 24 का बेस्ट आंसर है बी, क्योंकि स्पीशीज वाइज इनको डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, द स्टडी ऑफ द वायरस इज कॉल्ड, ये वायरोलॉजी कहलाती है, क्योंकि वायरस की बात की जा रही है, किसी और चीज की होती तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि 26 के अंदर वो कहता है कि पोलियो वायरस आर डैश। अब ये इसकी जो शेप होती है ये स्फेरिकल होता है। इसी तरह स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ डैश, जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजी है। तो इसका बच्चे 27 का बेस्ट आंसर बनता है सी, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन वाइज स्पीशीज के बेसिस यूनिट बनाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल वाज ब्रॉडली रेफर्ड टू एज डैश। अब इसका बच्चे बेस्ट आंसर है डी, क्योंकि मेटाजोया बनता है इसका बेस्ट आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 देखें, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पोनिच इज बाय डैश। अब ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं, फिजन, बडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे इसका 29 का बेस्ट आंसर है सी, क्योंकि ये बडिंग के थ्रू प्रोसेस होता है। इसी तरह किंगडम एनिमिलिया इंक्लूडेड ऑल एनिमल्स विच आर डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है, ई क्रियोटिक होते हैं, ये सारी किस्में, ये तीनों किस्में इसी में पाई जाती है। तो इस वक्त ऑल ऑफ अबव इसका बेस्ट आंसर है। इसी तरह देखें 31 का है, द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स इनहैबिट एंड एनवायरमेंट सो, यहाँ पे आएगा एक्सक्रीट। अब ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह इनको बाहर इखराज होता है, यूरिया के थ्रू, अमोनिया और यूरिक एसिड। अब ये किस सूरत में इनका मतलब इखराज होता है, तो इसका बेस्ट आंसर सही है, ये यूरिक एसिड के थ्रू होती है, जो छोटा पेशाब होता है उसके थ्रू ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, प्लांट्स यूज एवोपरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद लाइट। अब ये जो प्लांट होते हैं एवोपरेशन की जो कूलिंग करते हैं, जो मतलब अभी बुखारात होते हैं उनकी कूलिंग होती है, वो किस तरह इसको मैनेज करते हैं, विंड प्रेशर, रेनफॉल, वाटर स्ट्रेस है और टेम्परेचर है। तो बच्चे इसका बेस्ट आंसर है डी, क्योंकि टेम्परेचर के थ्रू ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं एवोपरेशन का। होमोस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ डैश ऑर्गेनिज्म स्पीशीज ऑल ऑफ अबव इकोलॉजी। तो इसका बेस्ट आंसर ए है, ऑर्गेनिज्म की बेसिकली जो मेंटेनेंस करते हैं ये करते हैं होमोस्टेसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। अब इसके लिए इसका बेस्ट आंसर है AMG है। उसको क्वेश्चन नंबर 35 देखें, विच इज द मोस्ट कॉमन एनर्जी कैरियर इन सेल डैश एंजाइम ATP, ADP, नाइट्रोजन, ATP बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, विच सेल डू नॉट रेस्पायर, कौन सा सेल है जो मतलब रेस्पिरेशन के फेज से नहीं गुजरता, नहीं कर सकता, वो क्रॉक सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, फोटोसिंथेटिकली लेटेस्ट इफेक्टिव रेडिएशन इज डैश ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। इसका बच्चे बेस्ट आंसर बी है, क्योंकि ग्रीन होती हैं ये। फोटोसिंथेसिस का तभी अमल होता है, ये जो सूरज से रोशनी निकाल के मतलब ये पत्तों पे पड़ती है, उस अमल को कहा जाता है। 38 कहते हैं, एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजर इज डैश अल्गा, ऑल दीज फंगाई और वायरस। तो इसका बेस्ट आंसर सी है, क्योंकि फंगाई इसका बेस्ट आंसर है। 39 देखें, विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कैटल है, कोल, पेट्रोलियम, ट्रीज इसके लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि पत्तों को दबा के ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है, जिसे बायो एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, मेजर यूनिट्स ऑफ इकोलॉजी इज डैश बायोस्फीयर है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है और पॉपुलेशन है। तो बच्चे इसका बेस्ट आंसर सी है, क्योंकि इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। तो ये 40 MCQs थे बच्चे, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेशन में आएंगे और आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, डिटेल में आपने चीजें समझ ली है। देखें कि ये एक वीडियो बनाने का मकसद कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा डाटा मिल जाए और तैयारी डिटेल में हो जाए। तो आई होप सो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लें, जिस तरह करनी है, मतलब मकसद ये है कि तैयारी आप करें, जिस तरह करना चाहते हैं करें, ऑनलाइन देखनी है, अगर आपने लाइव स्ट्रीम नहीं करना तो इसे डाउनलोड करके देख लें। तो
तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। इससे जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो आपके फिजिकल टेस्ट किस तरह होंगे, मेडिकल किस तरह होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट किस तरह होंगे, फाइनल इंटरव्यू और जो भी अपडेट्स होती है वो भी इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।